Hey guys, तो कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। एंड फाइनली गाइज, ये हमारा ग्लोबल रैंक सर्वर को होने वाला है डे नंबर 4। तो जैसे कि आप सभी ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हम लोगों ने आयरन के बेस को हैमर से रेट किया था, एंड काफी ज्यादा भाई में से ये पूछ रहे थे कि भाई ये हैमर आपने बनाया किस तरीके से है। एंड अभी तो मैंने आपको बताया नहीं है, डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि वो हैमर किस तरीके से बनाते हैं। एंड उस हैमर के लिए हमारे पास कम से कम 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए, तो वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड अभी जो मैं यहाँ पे आया था एवेंजर मारने के लिए, मुझे नहीं पता था यार अपडेट के बाद एवेंजर में भी सेम ग्लिच हो चुका है जैसे इजी म्यूटेंट पे हुआ है। तो आपने देखा होगा इजी म्यूटेंट को आप लोग अगर मारते होंगे भाई, इजी म्यूटेंट पूरा बायो में घूमता है। ऐसी गाइस यहाँ पे एवेंजर के साथ भी हो चुका है भाई। अभी तो एवेंजर मारना इतना कठिन हो गया है कि पूछिए मत भाई, पूरा मिलिट्री एवेंजर घूम रहा है। तो मैंने डिसाइड करा भाई इस हालत में तो मैं एवेंजर को नहीं मार पाऊंगा। लकीली तब तक आ चुका था यहाँ पे बायो में ड्रॉप। मैंने डिसाइड करा एवेंजर गया भाड़ में, एंड अभी चलते हैं हम लोग ड्रॉप लूटने के लिए, क्योंकि हमें जो है ना बॉम्ब चाहिए। तो भाई यहाँ पे मैं ट्राई तो पूरा कर रहा था कि एवेंजर को मार पाऊं, पर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ड्रॉप आया था, मैंने डिसाइड करा फटाफट से अभी जो है ना हम लोग यहाँ पे से निकलते हैं। तो जब तक यहाँ पे मैं एवेंजर को देख रहा हूँ, यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारी इस वीडियो में नया है एंड जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड आज की वीडियो में हम लाइक का एम रखते हैं 400। आई होप गाइस आप लोग 400 लाइक्स तो कंप्लीट कर आई दोगे। वैसे देख लीजिए यार एवेंजर कैसे भाग रहा है, कभी आगे भागते है कभी पीछे भागता है। भाई एक जगह में खड़े तो हो जा, हमें एटलीस्ट मारने तो दे, बट ना 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 ये नहीं मारने देगा। अब नहीं मार पाओगे तुम एवेंजर को, सोलो तो कटे ही नहीं। तो मैंने कहा भाई नहीं मार रहा मैं तो निकला यहाँ से सीधा ड्रॉप लूटने। एंड ड्रॉप में गाइस एक काफी गजब का सीन हुआ। एंड आपको पता ही होगा हमारे सर्वर में इतने हैकर हैं कि बंदों ने सर्वर छोड़ दिया यार। अभी लगभग 4 दिन हो रहे हैं, ड्रॉप में एक भी बंदा नहीं आ रहा है लिटरली। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हम लोग ड्रॉप उठाते हैं एंड देखते हैं, अगर मन करा तो आगे खेलेंगे, अगर बंदे वगैरह नहीं मिले तो हम लोग भी छोड़ देंगे। एंड लकीली यहाँ पे अपने को मिल चुका है हैंडमेड। भाई अभी सबसे पहले तो मैं अपने बेस जाऊंगा एंड फटाफट से ये हैंडमेड हम लोग लर्न करेंगे। एंड आज भी जो है ना अपन अपना गाइस एक बंदे के साथ काफी तगड़ा पंगा हो चुका था। मैं रात को गया था कार्गो लूटने के लिए, वैसे ही मैंने बोन का आर्मर पहना हुआ था एंड उजी लेके गया था। तो बायो के पास में कुछ बंदे थे जो कि हर एक ड्रॉप में जा रहे थे, सो उन्होंने गाइस मेरे को मारा एंड हंसने लगे, पुअर किड, नूब किड, अलाना किड। तो मैंने उनको भी चैलेंज दे दिया था, भाई ये तुम्हारा लास्ट, आई मीन इस सर्वर में तुम्हारा लास्ट डे है एंड कल देखना। तो भाई आज जो है ना हम लोग उनको क्या ही गजब का कैंप करने वाले हैं। एंड हम लोगों ने जो है ना कंटिन्यूअस उनका बेस 3-4 घंटे कैंप किया था। एंड कुछ भाई लोग अपने इस सर्वर में खेल रहे थे, उन्हें भी पता ही होगा भाई कि वो कितना गंदा पीपी कर रहे थे मतलब। तो अभी जो है ना सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे हैंडमेड्स लर्न करते हैं एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे अपने को क्या करना है। भाई यहाँ पे कार्गो आया है, सो कार्गो में तो मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे अपने सर्वर में एक कोई खेल रहा था एंड उन्होंने मेरे से प्राइवेट में पूछा कि कार्गो में जा रहे हो? मैंने कहा मैं तो कार्गो में नहीं जा रहा हूँ, मैंने कहा आप लोग चले जाइए। एंड जैसे गाइस वहां पे कार्गो में गए ना, वो सेम बंदे वहां पे दोबारा आ गए थे एंड वो तो सीधा डायरेक्ट बोलने लगी ये बंदे हैकर है, मतलब कंटेनर के अंदर मारा है। मैंने कहा मेरे को तो नहीं पता, मेरे को तो अभी तक ऐसा नहीं मारा है कि मैं उनको हैकर बोलूं। मुझे तो गाइस लेजिट ही लगे क्योंकि अपन उनको अभी से नहीं, जब से मैं ग्लोबल खेल रहा हूँ ना तब से उन्हें देखता हूँ गाइस। उनका जो आईडी है ना वो पहले 01 था, 02 हुआ, 03 हुआ, 04 हुआ, अभी जो है ना 007 चल रहा है। भाई गजब है, मतलब जो ग्लोबल खेलता है ना गाइस उसे मजा ही आता है। तो मुझे जो है ना मैं लगभग रेडी हो चुका था, मैंने एमओ बना लिया, आर्मर बना लिया उनको कैंप करने के लिए। थोड़ा सा मेरे को सिरिंज के लिए फ्यूल चाहिए था तो मैं वहाँ पे फ्यूल फार्म कर रहा था एंड यहाँ पे मेरे को कुछ अपने सब्सक्राइबर भाई लोग दिखे, तो मैंने डिसाइड करा चलो ये मेरे को बुलाने लगे फॉलो मी करके। मैंने कहा चलो यार फटाफट से इनके बेस में चलते हैं। एंड यहाँ पे जो है ना भाई उन्होंने मेरे को कम से कम 2000 फ्यूल दिया। चलो अपना फ्यूल का तो काम यहाँ पे इजिली कंप्लीट हो चुका है, अभी अपन लोग चलते हैं फटाफट से अपने बेस में एंड जल्द से जल्द हम लोग बना लेंगे अपने लिए सिरिंज। आपको पता ही होगा सिरिंज के लिए हमें चाहिए फ्यूल, तो चलिए गाइस फटाफट से बनाते हैं।
लगभग कितनी सीरीज बन रही है, 25 भाई, मजा आ जाएगा। मतलब आज तो अपने को पीपी करने में बैंडेजेस नहीं ठूसने पड़ेंगे, हम लोग सिरिंज से ही इजीली काम चला लेंगे। तो भाई यहाँ पे जो है ना, मैं पीपी कर रहा था अपने आईपैड वाले अकाउंट से। मैंने कहा यार रिकॉर्डिंग करना तो बनता ही है, तो आधे पीपी में जो है ना गाइस, मैं यहाँ पे आ चुका था अपने एंड्रॉइड वाले मोबाइल से। तो भाई यहाँ पे बंदे बोलने लगे थे, विंडो गाय, ये नंबर वाला गाय जो है ना, ये एक नंबर का नूब एंड हरामी इंसान है। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी हम लोग भी दिखाते हैं। तो मैंने फटाफट से गन्स एंड आर्मर उठाए। एंड मैं तो गाइस आपको पहली बताऊं, मैं विंडो कैंपिंग काफी गंदी करता हूँ, मतलब विंडो कैंपिंग से बचना इम्पॉसिबल है। ये बंदा दिखा और कवर में भागा। तब तक अपने टीममेट ने बजा दिया उसको। सो यहाँ पे जो है ना गाइस, मैं सोलो था एंड ये दो बंदे थे, तो मैंने इनके अगेंस्ट दो बंदे बुला दिया। मतलब तुम्हें भी पता चले कैसे होता है जब नंबर एडवांटेज। ओके यहाँ पे से बंदा बाहर निकला, नहीं कवर में घुस गया, एक बंदा ऊपर है भाई, गोलियां लग रही है, डैमेज नहीं आ रहा है जो छत में था भाई, गलत सीन है। चलो मारता हूं, नहीं नहीं आज तो भाई पूरा गंदा कैंपिंग। देखो गाइस कितनी सारी बुलेट्स मारी पर डैमेज ही नहीं आया। एंड बजूका भाई, बजूका बहुत गंदी चल रही है सर्वर में। आजा आजा, ये बंदा इसके अंदर है, गया पूरा, फिनिश करूंगा इसको तो मैं। एंड देखो जैसे उसका टीममेट मरा ना, एंड बंदे ने जो है ना बजूका स्पैम करने लगी भाई। बस अपना टीममेट सेफ होना चाहिए, बजूका से ना मरे अपना टीममेट। तो यार मैंने ये कब से मेरे को विंडो गाय बोल रहा था। मैंने कहा भाई अभी जो है ना हम लोग यहाँ पे सब बाहर निकलते हैं फटाफट से। यार यहाँ पे मेरे को एक बंदे को बजाया, एंड चलो हम लोग चलते हैं उसका लूट उठा के आएंगे। सो जैसे मैं यहाँ पे से लूट उठाने के लिए जा रहा था, एंड वो बंदा देखो वहां से बजूका लेके बैठा हुआ है, एंड एक बुलेट लगा उसको, लगभग 40 का डैमेज आया। एक तो बुलेट्स और लग जाएगा तो डेफिनेटली वो नॉक होगा, तो ट्राई करते हैं। एंड सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे सब लूट वगैरह उठाने, किसी ने किसी डब्बे में एआर तो पड़ी हुई है। ओके दिख रहा है बजूका मार रहा है भाई, ओ भाई बजूका, अपना टीममेट गया, पूरा फिनिश करा लोंडे ने। मतलब दो बजूका के सेल वेस्ट किए, आप लोग देख सकते हो बंदों को कितना परेशानी हो रहा है। एक बंदा आया गया, तो भाई इसने मेरे को काफी ज्यादा इरिटेट करा, बार बार विंडो गाय बोल रहा था। तो मैंने कहा चलो अपने को बाहर तो निकल ही नहीं पड़ेगा, बिना बाहर निकले तो कुछ होगा नहीं। एंड अभी जो है ना वहां से वो बजूका स्पैम कर रहा है, खुद बाहर नहीं निकल रहा है। तो मैंने कहा रुक जा भाई, अभी तेरे को तो बजा के रहूंगा। बजूका गाय दिख, तो अपना टीममेट तो आगे घुस गया सीधा उसके बेस में, ये रहा नॉक। तो फाइनली यहाँ पे मैंने जो है ना बजाया उसको, देखो उसने बजूका फायर किया था, मैंने उस बंदे को नॉक किया, उसके बाद जो है ना अपने पे बजूका लगाए। तो मैं बोल रहा था अपने टीममेट से मेरे को रिवाइव कर दो, मेरा टीममेट बोलने लगा भाई अपना बेस बगल में, फटाफट से सेल्फ मार अंदर से यहाँ, एंड गन्स वगैरह उठा। तो अभी जो है ना अपने पास गन्स वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मैंने डिसाइड करा चलो अभी, ओ ओ ओ भाई किधर से मार रहा है, रुक जा यहाँ पे मेरा गन्स वगैरह घिरा हुआ है क्योंकि अभी मैं नॉक हुआ था भाई। अपने पास हेल्थ नहीं है तो मुझे लगता है अपना बेस में चलते हैं, थोड़ा सा सेल्फ मार के आएंगे, क्योंकि अपने जितने भी सिरिंज थी ना वो तो पहले ही खत्म हो गए। पहले गाइस बहुत गंदा फाइट चल रहा था यहाँ पे। नहीं 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 दिखूंगा भाई, एक बुलेट लगेगा मैं खत्म। तो भाई यहाँ पे हम लोग काफी देर वेट किए, यहाँ पे बंदे ने अपने को चेहरा भी नहीं दिखाया, तो मैं सेल्फ मार के दोबारा से यहाँ पे आया। एंड अभी जो है ना मैंने डिसाइड करा मैं ऊपर से चढ़ता हूँ, एंड ऊपर से इसको मारने का ट्राई करूंगा, देखते हैं हम लोग मार पाते हैं या नहीं मार पाते। लेट्स गो। तो यार यहाँ पे चढ़ा मैं, एंड वो बंदा मेरे को दिख नहीं रहा है। एंड जैसे मैं यहाँ पे से बंदे को मारा था ना, एंड अपने को जो है ना पीछे से कोई बंदा मारेगा, और देखो उसको किस तरीके से बचाएंगे अभी अपन। ओ मुंडी नहीं दिखा रहे यार, ये आया बाहर, नीचे कूदा, आई थिंक वो वहां से अंदर कूद गया। अब पीछे से मारा, ओ भाई कहाँ कौन मारा, रुक जा भाई अभी देख के आते हैं पीछे से कौन आ गया भाई, रुक जाओ। ये रहा गया भाई, दो टकाटक हेडशॉट लगे उसको 70-70 के। चलो देखते हैं, एक एआर और मिल गई फ्री की, M4 है लोंडे में।
तो भाई इसको फटाफट से हम लोग सेव करके आते हैं, बस अपने में गोलियां ना लगे। एंड अभी जो है ना गाइस, हम लोगों ने काफी ज्यादा मजा करा, लगभग 3 घंटे इनको कंटिन्यूअस कैंप किया। एंड लास्ट में देखना क्या ही गजब का सीन होने वाला है। लास्ट में जो है ना, इस सर्वर के जितने भी बंदे यहाँ पे आ जाएंगे पीपी करने के लिए, भाई बहुत मजा आने वाला है। ये रहा देखो, इधर निकला है वो नीचे। एंड मेरे टीममेट बोला वो जो है ना वहां पे वो लगा रहा है भाई, नॉक एंड फिनिश खत्म। अपने टीममेट बोल रहा है वो जो है ना अपनी वेंडिंग के नीचे ऑटो कैनन लगा रहा है। एंड अभी ऑटो कैनन में बुलेट्स वगैरह नहीं है, तो डेफिनेटली वो ऊपर से आएगा नीचे एंड ऑटो कैनन में बुलेट्स लेके आए, क्योंकि उसे लग रहा है यार हम लोग जो है ना उसके बेस के काफी ज्यादा क्लोज है, मतलब उसके बेस के अंदर घुसने का ट्राई कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है वो ऑटो कैनन ही लगाएगा। भाई उसकी पेटी थी इधर, आयरन का हेड मिला, गन तो नहीं है लगता, गन वो जो है ना सेफ में रख के गया। तो मैंने डिसाइड करा अभी जो है ना मैं यहां पे बैठता हूं एंड जैसे ही वो बाहर निकलेगा फिर उसको बजाने का ट्राई करूंगा। भाई नहीं आ रहा, ये आना चाहिए यार। ओ फायर हुआ, लगता है अपने टीममेट ने बजाया। ये रहा देखो जिसको नॉक किया, इसको मैं पूरा फिनिश करूंगा। एंड ऐसे कर दो फटाफट से चलता हूं, एआर होगा डेफिनेटली, इसमें एआर लेके आऊंगा। अबे किधर से मारा बंदूका? ओ भाई मुझे लगता है पीछे वाले बंदों ने मारा। हाँ मुझे डेफिनेटली पीछे वाले बंदों लगता है। तो फिर क्या था, मैं फटाफट से अपने बैग में स्पॉन हुआ एंड दोबारा से यहाँ पे आ चुका हूँ। एंड अपना टीममेट बोला बंदा जो है ना नीचे आएगा, तो मैंने कहा ठीक है कोई टेंशन वाली बात नहीं, नीचे वाले बंदे को मैं देखता हूँ। वैसे डोर खोला उसने, बंद कर दिया। अब दोबारा दिखा, नहीं नहीं खुला, बट चेहरा नहीं दिख रहा है बंदे का। बंदा दिखेगा तभी तो अपन लोग मारेंगे, दिख ही नहीं रहे। ओह गया भाई, फोड़ दिया मुंडी। चलो सेफ में डालता हूं एंड फटाफट से चलता हूं, गन्स लेके आऊंगा। खाली है, आर्मर मिला भाई, चलो ठीक है आर्मर तो मिला एटलीस्ट। इसमें कुछ है नहीं, खाली है ये भी, लगभग डब्बे तो सारे खाली है, मतलब बंदे चुक चुक के लेके जा रहे हैं, अपने बंदे भी चुक रहे हैं वो भी चुक रहे हैं। तो उसके बाद जो है ना मैं दोबारा से यहाँ पे आया एंड बंदा देखो दोबारा से बाहर निकला और नीचे कूदा और गया नॉक। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट करने लगे थे क्योंकि भाई इन्होंने अपने को पुअर किड बोल रहे थे। मैंने कहा भाई तुझे बताऊंगा पुअर किड, तो इसीलिए जो है ना गाइस मैं इतना रूम्स वगैरह कर रहा था, मुझे गन्स वगैरह कलेक्ट करनी थी। एंड मैंने कहा भाई अभी जो है ना गाइस यहाँ पे एंट्री हो चुकी है हैकर की, तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीपी कर रहा था एंड मुझे जो है ना गाइस हैकर ने मारा, मतलब गाड़ी के अंदर से उतार दिया। एंड अभी देखो वो गाड़ी के अंदर हैकर बैठा हुआ। ये जो गाइस एच नाम से है ना, ये रहा हैकर भाई, अभी तो भाग गया वो। और ये कहां जा रहा है, मतलब ये बंदा जो है ना बाद में आएगा इस, ये इस सर्वर में। इसका बेस जो है ना गैस स्टेशन के पास में, हम लोग आगे पीपी कर रहे थे एंड ये बंदे जो है ना अपन को पीछे से मार रहे थे। एंड अभी जो है ना इसको तो चढ़ने नहीं दोगा, गया भाई बंदे के पास M4 था एंड फार्मा से कूद गया, एंड वो भी मैं नेकेड, मतलब एक भी बुलेट्स नहीं लगा। एक बंदा और है, नहीं है, ओके नहीं है, आ रहा है देखो। अबे कहां से ये चीटिंग करता है भाई, बट कोई नहीं भाई, अपना टीममेट गया, अपना टीममेट गया। मैं फटाफट से गन उठाता हूं एंड चलता हूं। अरे बुलेट्स ही नहीं है, गन्स तो अपने पास दबा के पर बुलेट्स नहीं अपने में। चलो कोई नहीं, उजी लेके चलते हैं, देखी जाएगी। तो अपने टीममेट बोला आगे जो है ना बंदे हैं, हाँ हैकर आ गया देखो भाई हैकर। अपने टीममेट को देखा गाइस आपने, सीधा नॉक एंड फिनिश एंड मे बी।
अभिजीवन अपना टीममेट घूम के पीछे से गया क्योंकि बंदे के पास जो हैकर है ना उसके पास ESP नहीं है। एंड मैं अपने टीममेट को उसका लोकेशन बता रहा था एंड देखो यार अपना टीममेट ने क्या ही गजब के उसको शॉटगन भरा भाई, बजा दिया हैकर को भाई। इसके बाद जो है ना हैकर को काफी ज्यादा दिल में लग गई, मतलब इस बंदे ने मेरे को कैसे मारा। बंदा जो है ना उसके बाद ऑफलाइन वाला हैक लगा दिया। आपको तो ऑलरेडी पता ही होगा ऑफलाइन वाला हैक कितना डेडली है, मतलब बंदा जो है ना वो दिखता ही नहीं है, जमीन के नीचे रहता है। अरे ये बंदा किधर आ रहा है, बजा दिया इसको। तो उसके बाद जो है ना गाइस मैंने डिसाइड करा अभी अपन लोग ऊपर एक एंड फाइट नहीं करते, नीचे रह के करेंगे। एंड जैसे ही गाइस मैं नीचे आया ना एंड यहाँ पे दिखा ओ भाई अपने टीममेट ने बजा दिया किसको, एंड फिर जो है ना यहाँ पे किसी ने अपने को मारा भाई। दो बंदे आ गए पीछे से भाई, ये चीटिंग कर रहे हैं भाई, पीछे से मार रहे। चलो बढ़िया है, मजा आता है गाइस अगर बंदे लेजिट होना पीपी करने में। अरे बेटे तू भी गया, पूरा फिनिश करता ना ऐसे कहीं को छोड़ा, तब तक मेरे टीममेट ने बजा दिया उसको। अभी जो है ना गाइस यहाँ पे देखो चले बाहर, आर्मर नहीं है, ओके आर्मर पहन लिया है। हाँ किधर ले बेटे गया भाई, डर भी लग रहा है, हैकर है बगल में। चलो चलते हैं फटाफट से लूट उठा के लाएंगे इसका। इधर ये रहा इसका पेटी, चड्डी बनियान मिल गया आयरन का, मजा आ गया। एंड अभी देखो गाइस अभी पता चलेगा ऑफलाइन वाला हैक लगा के आया बंदा। भाई फुट स्टेप्स आए, इधर है बंदा, ये देखो गाइस ऑफलाइन। बस यार यही गलत सीन है, देखो वो देखा आपने, ये देखो ये रहा, मतलब अपने मेज के अंदर घुसने का ट्राई कर रहा है भाई। ऐसे कहेंगे फायदा क्या है यार। ऑफलाइन वाला हैक जो है ना गाइस सबसे पहले गेम वालों को फिक्स करना चाहिए। एंट्री नेम मारने का तो कोई नहीं, बट एटलीस्ट दिखना तो चाहिए बंदा कहां से मार रहा है। तो अभी अपन लोगों ने डिसाइड करा भाई बाहर जाके कोई भी फायदा नहीं है, अगर बाहर गए तो वो बजाएगा अपने को दोबारा। तो मैं यहाँ पे देखने लगा कहीं मैं अपने को ऑफलाइन वाला हैक दिखे ना बाहर निकले तो मारने का ट्राई करेंगे, बट वो बाहर नहीं निकला। एंड अभी जो है ना आप लोगों ने डिसाइड करा आप फाइट करके कोई भी फायदा नहीं है। तो उसके बाद जो है ना गाइस मैं आया था वीडियो ऑनलाइन एंड देखो भाई यहाँ पे क्या सीन है, मतलब यार अपने सब्सक्राइबर भाइयों ने यार अपने बेस से चिपका के इतने बगल बगल में बेस बना रहे गए, मैं अपने बेस में कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो है ना अपने सब्सक्राइबर भाई का बेस कोई बंदा रेड मार रहा है, यार लेके आया देखते हैं हम लोग उजी से मार पाएंगे। किधर है ये रहा, ओए 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 किधर। सबसे पहले तो AR वाले को बजाऊं, ऊंची वाले से कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कौन आया आई थिंक ये भाई तो वो है जिनका बेस है, बट ये दो जो है ना एनिमी है भाई। M762 मिल गया, मजा आ गया, मतलब फ्री का गन, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, लेट्स गो। चलते हैं यार फटाफट से अपने बेस के अंदर, देख रहे हो यार कितने बगल, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो एक दो स्टार्टिंग है गाइस। इसके बाद जो है ना इतने बेस बना दिए एंड एक भाई ने तो यार इतना परेशान कर दिया, हाय डियर डोंट शूट भाई, क्या बोले। मैं गेट खोलता मेरे पीछे पीछे बेस के अंदर घुसता और फरने से लूट लेके निकल जाता। फॉलो मी। तो यहाँ पे जो है ना अपन थोड़ा सा सब्सक्राइबर भाई लोग से बात करने लगे थे। मैं गाइस क्या बोलता हूँ, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ अगर आपको आना है सर्वर में आ जाइए खेलिए अपना। अगर गन्स चाहिए, आर्मर चाहिए, AR गन चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बट खेलो अपना खेलो तभी तो यार मजा आएगा। बट नहीं, सबको टीम पे आना है भाई, ये पॉसिबल नहीं है, टीम तो गाइस इम्पॉसिबल है। बट यहाँ पे जो है ना अपना सब्सक्राइबर भाई आया है, जितना भी यार मेरे पास गन्स आर्मर था मैंने सारे का सारा दे दिया भाई, आप लोग खेलिए
रूम्स करो, इधर से उधर टहलो, सब चीज तब तो पता चलेगा, ऐसे करके तो कोई फायदा नहीं है। एंड यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर भाई बोल रहे थे कि मेरे पीछे आओ, फॉलो मी कर रहे थे। एंड लगता है वो भाई ने जो है ना ये बेस रेड मारा। मैंने कहा चलो ठीक है यार, करा तो कुछ ना, हथौड़े से किया पर रेड किया भाई। तो ऐसे करते हैं अभी जो है ना अपन लोग फटाफट चलते हैं। एंड अपना सब्सक्राइबर भाई दिखा रहा था भाई देखो मैंने ये बेस रेड करा है, मजा आ गया देख के, तो चलते हैं फटाफट से सीधा अपने बेस में। Follow me. एंड यहाँ पे जो है ना गाइस अब तीसरा भाई अपना बेस दिखाने गए एंड बोल रहे हैं भाई ये मैंने तेरे से पीपी करने के लिए बुला रखा है। मैंने मेरे से पीपी करने के लिए मेरे बेस के बगल में, ये तो चीटिंग है ब्रो, ऐसा थोड़ी ना। बट कोई नहीं भाई, मैंने कहा चलो कोई नहीं पीपी करेंगे मजा आएगा। एंड देखो तो उसके बाद मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई आप लोग खेलो, अभी मेरे को थोड़ा सा कुछ काम वगैरह करना है, मैं आता हूँ कुछ देर बाद। एंड उसके बाद तो भाई एक एक करके सारे भाई लोग ऑफलाइन, चलो ठीक है। तो उसके बाद जो है ना गाइस मैं यहाँ पे आया था नेक्स्ट डे ऑनलाइन, क्योंकि अपन लोगों ने पिछले दिन थोड़ा सा फार्म वगैरह किया था। एंड अपने बेस के बगल में कुछ भाई लोगों ने बेस बनाया दोबारा, एंड ये भाई ने तो गाइस इतना दिमाग खराब कर दिया। एंड आप लोग देखो कैसे पीछे भाग रहे हैं भाई, मैं कितने बार बोल दिया है भाई इस तरीके से पीछे मत आया करो, लिटरली यार अपना काम से आके गेम खेलो ना, ये सीन हो ना दिमाग खराब हो जाता है बहुत। बट कोई नहीं, अभी अपन को थोड़ा सा चारकोल चाहिए, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा वुड वगैरह फार्म कर रहा था। एंड वुड वगैरह फार्म करते करते यहाँ पे जो है ना मैं इधर से आया एंड दो बंदे दिखे मेरे को भागते हुए। भाई थोड़ा सा डर तो लगता है मेरे बेस के बगल में, एंड मैंने देखा नहीं एंड बजा दिया। बट ये भाई जो है ना गाइस इनमें से मैंने एक भाई को गन भी दिया था, क्योंकि वो बोले थे भाई मेरे को एक AR गन दे दो, मैंने दिया था। पता नहीं भाई उन भाई ने गन किसको दिया, कहाँ दिया, मैं यहाँ पे वेट करने लगा था उन भाई का, क्योंकि उनको जो मैं गन दिया था ना उन्होंने मेरे को वापस कर दिया था कि भाई अपने पास ये गन कुछ देर के लिए रखो एंड बाद में देना। एंड लगभग मैं अभी 40 से 50,000 वुड फार्म करके आ चुका हूँ, इसको मैं डालता हूँ फर्नेस में मेल्ट करने के लिए। ठीक है भाई अपना सारा का सारा सामान यहाँ पे आराम से मेल्ट हो लेगा, बस अपने को अभी चारकोल का वेट करना है। एंड जैसे ही अपना चारकोल वगैरह बन जाएगा सो मेरा प्लान है मैं इस सर्वर को कंटिन्यू नहीं करने वाला, क्योंकि गाइस बंदे है ही नहीं सर्वर में, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ना गाइस ये भाई इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया मेरा, तो मैंने कहा ये मेरे बेस के अंदर घुसा एंड फरने से लूट उठाया। मैंने कहा अभी तेरे बेस के अंदर मैं घुसता हूँ, अब बताओ यार अब क्या करूँ यार, मेरा लिटरली गाइस दिमाग खराब हो जाता है जब मैं सर्वर रिवील करता हूँ ना इसी तरीके से। मतलब बंदे के पास इतना दिमाग है बट परेशान करना है। ले मैं गलती अपनी शॉटगन अपनी सेफ में रख देता हूँ। उसके बाद देख रहे हो गाइस इनका सीन, मतलब अपने बेस के बगल में क्या सीन बना के रखा हुआ है भाई। इतना ग्लिच वगैरह मत करो, जो तुम्हें सिखा रहा नहीं ग्लिच करना, अगर कोई रिपोर्ट कर दिया सीधा आईडी 10 साल के लिए। भाई यहाँ पे जैसी गाइस मैं ये चीज देख रहा था एंड पीछे से जो है ना बंदे आ गए, कई भैंस पानी में, बट कोई नहीं भैंस को पानी से बाहर निकालेंगे, मैं गन आर्मर लेके आता हूँ, इनको बजाएंगे जरूर, क्या बोलते हैं बजाएं। तो अभी जो है ना गाइस मैं ये चले गए थे यहाँ पे से, मैंने थोड़ा सा बॉट फायर किया फायर वगैरह कर रहा था, तो ये बंदे दोबारा आ गए। मैंने कहा रुक जाओ, ये देखो शॉटगन से मारा है, रुक जा बेटे अभी तेरे को बजाएगा अपन। हाँ गया भाई, तुम्हारे भाई का एम अब थोड़ा थोड़ा मोबाइल से खेलने लगा है ना, अब आने लगा है, अभी दूसरा बंदा नहीं पता वो किधर है। चलो सर पूरे फिनिश करूं मैं, ओके पूरा फिनिश हो गया, अब दूसरा किधर है, दो बंदे थे एक्चुअली में। हाँ दो, ओके एक ये रहा, इसको भी बजाओ, नहीं ये तो अपने ही सब्सक्राइबर है भाई। इस टाइम पे अपने को कुछ भी नहीं पता कौन अपना है कौन एनिमी है, तो कुछ देर गाइस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया। मैंने डिसाइड करा चलो फटाफट से मैं बाहर चलता हूँ गन्स गिरा के, मैं जैसी बाहर जा रहा था मैंने कहा भाई गन गिरा के तो नहीं गन उठा के ही चलते हैं,
ओके भाई वो बंदा अपने इस सब्सक्राइबर में मार रहा था एंड ओके ये रहा देखो गया भाई एवी थोड़ी ना आके मार जाओगे वो भाई पर्पल कार्ड मजा आ गया फ्री का पर्पल कार्ड मिल गया भाई। हाँ मैं क्या बोल रहा था सो आपको जो भी ऐसे ग्लिचेस वगैरह सिखा रहे ना मैं रिकमेंड करता हूँ भाई इस तरीके के ग्लिचेस वगैरह आप लोग ना ही करो वही बढ़िया है क्योंकि भाई रिपोर्ट कर दिया ना 101% गाइस आप लोग बैन होंगे 10 या 15 दिन का तो इजीली बैन पड़ेगा ही मे भी 10 साल का भी पड़ सकता है तो जितना आप लोग ग्लिचेस बग से दूर रहो ना वही बेटर है। एंड काफ़ी ज़्यादा भाई लोग बोलते हैं भाई मेरा आईडी बैन हो गया ये हो गया सो हो गया मे भी आप लोग कुछ गलती किए होंगे तभी बैन होगा क्योंकि मैं लिटरली बता रहा हूँ मैं इतना टाइम से खेल रहा हूँ ना मैं जब हैकर के साथ में खेला ना तभी बैन हुआ एक बारी बाकी तो नॉर्मली गाइज अभी तक कभी बैन नहीं हुआ। ओके यहाँ पर से मैं गन्स वगैरह उठा लेता हूँ वो एक क्रिस्टल से इसमें दवा के चलो बढ़िया है बस अभी अपने को थोड़ा सा चारकोल का बनने का वेट करना है एंड उसके बाद हम लोग करने वाले हैं गाइस दबा के रेड एंड मे बी वो लास्ट रेड हो सकती है तो चलिए फटाफट से सारा का सारा सामान रखते हैं। ओ भाई ड्रॉप आया है क्या करें ड्रॉप पे चलें तो जो सब्सक्राइबर भाई के साथ मैं अभी टीम पे हूँ उनका बेस गाइस एक्चुअली में हार्बर में है तो उन्होंने बोला भाई चलो ऐसे करते ना ड्रॉप में चलते हैं मैंने कहा चलो ठीक है मैं यही बोल रहा था गाइज आप अपना खेलिए अपना बेस बनाओ जरूरत पड़ी या तो यार मैं डेफिनेटली हेल्प करने के लिए आऊँगा जैसे ये सब्सक्राइबर भाई खेल रहे हैं अपना अलग खेल रहे ठीक है यार एटलीस्ट सीख तो रहे हैं तो चलते हैं देखते हैं ड्रॉप मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। एंड यहाँ पे गाइज एक काफ़ी गजब का सीन हुआ मैं तो उसके बाद ऑफलाइन भाई मैंने कहा मैं तो ऑनलाइन आ ही नहीं रहा हूँ कल रेड मारूंगा निकल जाऊँगा एंड वो क्या सीन हुआ एंड देखो तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे हार्बर से सीधा बैंडेड के साइड क्योंकि अपने को ड्रॉप चाहिए था एंड देखो गाइस कैसा ड्रॉप मिलता है काफी गजब का ड्रॉप था मतलब बजूका एआर बॉम्ब C4 हैंडमेड एक्सप्लोजिव आयरन आर्मर का सेट स्टील आर्मर का सेट सब चीज मिल गया और ऐसा मिला उसके बाद मैंने डिसाइड करा यार इतना सारा सामान मिल गया तो खेल के फायदा क्या है। एंड देखो सो जैसे यहाँ पे से मैं जा रहा था मेरे को बंदे के फुटस्टेप्स आए फायर किया भाई बंदा मैंने कहा तो मैं जैसे घूम के देखने लगा मैंने कहा बंदा तो दिखा भाई बंदा तो दिख ही नहीं रहा लगता है इनविजिबल है। हाँ इनविजिबल है चलो मैंने डिसाइड करा पीछे चल के देख के आते हैं बंदा है कहाँ तो मैंने कहा बंदा तो नहीं दिख रहा है सो फिर मैं जैसे जाने लगा फिर फायर हुआ देखा किधर है भाई किधर इनविजिबल है मिस्टर इंडिया बन के घूम रहा है मैंने कहा चलो कोई नहीं ऐसे करते ना चलते हैं भाई अब देखो एंटी ने बजा दिया भाई फिर मैंने कहा मेरे खेल के कोई फायदा नहीं है एंड वहां पे अपने सब्सक्राइबर भाई को भी बजाने का ट्राई कर रहा था बट एक नंबर का नूबड़ा है गाइस वो अपना सब्सक्राइबर भाई तो रुका नहीं है सीधा भाग गया। एंड एक्चुअली मैं मेरे को ये इंडियन ही लग रहा है कोई बट कोई नहीं गाइज चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही एंड हैकर से कूटने के हम बाद हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया ऐसा मज़ा आया कि पूछिए मत मन तो करा क्या करें अब कर भी कुछ नहीं सकते भाई तो चलिए गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड जो भाई उन्होंने पीपी किया वो तो भाई गजब की पीपी थी तो चलो चलते हैं गाइस और मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में कल तो हम लोग रेड्स वगैरह करेंगे और थोड़ा सा जीपी बचेगा आई मीन सल्फर बचेगा उसका भी बॉम्ब्स बना के रेड्स वगैरह करके फाइनली इस सर्वर को हम लोग एक दो दिन में एंड कर देंगे सो चलिए गाइस बाय बाय सी यू इन नेक्स्ट